अगर इस प्रकार से हम पानी को किसी तरह से अगर डबरा बना दें, तालाब बना दें, छोटे डबरी बना दें या बांध बना दें और उस प्रकार से पानी को रोक लें, तो बाद में ही उसकी सिंचाई की जा सकती है। वर्तमान समय में बारिश जो है बहुत कम होता है ना, और कम होने के कारण पानी का संकट जो है हमारे सामने हर साल उत्पन्न होता है। इस प्रकार से अगर हम पानी को स्टोर कर लें, संग्रहित कर लें, तो बाद में भी पानी की पौधों की सिंचाई में पानी से किया जा सकता है। अगला देखिए, भूजल स्तर में वृद्धि। भूजल स्तर में वृद्धि कैसे करते हैं? वर्तमान समय में हम लोग अक्सर देखते हैं जो नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं है ना, उनमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, बनाकर दिखाने का प्रयास किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ पर पानी जो है छत में पड़ती है, छत में पड़ने के बाद एक निश्चित पाइप के माध्यम से उसको नीचे गिराया जाता है। अब नीचे गिराया जाता है जहाँ पर क्या बना रहता है, गड्ढा खोद करके उस पर सोखता बनाया जाता है, क्योंकि पानी जो है उसी सोखता में गिरता है, जिसके कारण पानी वहां से बह करके दूसरी तरफ नहीं जाती है और सोखता के माध्यम से वहां जमीन के अंदर चली जाती है, जिसके कारण भूमि का जल स्तर जो है बढ़ता है। इस प्रकार हम पानी को भूमि के अंदर बचा सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पानी जो है वहां गिरता है ना, लेंटर से मतलब छत से नीचे गिरता है और पानी सोखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण वहां बहने लग जाते हैं। तो ये हो गया भूजल स्तर में वृद्धि। इस प्रकार से भूजल स्तर में वृद्धि करके हम लोग पानी को बचा सकते हैं, ऊपर में नहीं बचा सकते लेकिन जमीन के अंदर बचा सकते हैं। अगला देखिए, सिंचाई का आधुनिक तकनीक। आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हम बचा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने क्या खेत में क्यारी बनाकर दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ एक ट्यूबवेल चल रही है, ट्यूबवेल से सीधा पानी जो है क्यारियों में जा रही है बाहर करके, है ना। अब प्रत्येक क्यारी में जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार पूरे खेत में अगर मान लीजिए 50 डिसमिल खेत में पानी की सिंचाई करनी है तो कितने पानी लग जाएगा, हजारों लीटर पानी लगेगा, है ना। तो हजारों लीटर पानी का इस्तेमाल ना करके हम लोग आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर के माध्यम से हम बहुत बड़े प्लॉट को कम पानी में सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ टपक पद्धति है, हम लोग बगीचों में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं, है ना, उसमें पाइप को ले जा करके ठीक उसके पेड़ के नीचे छेद बना दें तो पानी जो है टपक टपक करके उस पौधे को सिंचाई करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पानी का लेखा जोखा जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, और जो भी तरीके यहाँ पर बताए गए हैं अगर उन तरीकों को फॉलो करें तो हम बहुत सारा पानी जो है बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं बचा सकते। धन्यवाद।